अदिनिया रथयात्रा को प्रतिक्रिया रखिंट गजपति महाराज कहले देशे पूरी नियम अनुसार रथयात्रा करने को इस्कन सह आलोचना होता इस्कन सहमति प्रकाश करपरी विदेश में इस्कन चाहिए गुंडीचा दिन ठार नीलाद्री विजे भितर पड़ा शनिवार और रविवार रथयात्रा करहबंट गजपति महाराज जेहेतु विदेश में किसी समस्या रोचे तेणु यह निष्पत्ति अंपटे ग्वालियर इस्कन पक्षर 18 जून 2023 रथयात्रा होगाक बेले यार कार्यसूची में परिवर्तन करा जाए 24 जून रे हेबो ग्वालियर रे रथयात्रा आमर स्कंद पुराण रे निर्धारण महाप्रभु निजे करचंती शास्त्र निजे करची एवं श्रीमंदिर परंपरा से अनुसार आगे चली शह शह वर्ष है चली हजार हजार वर्ष धरी चली से निर्दिष्ट तिथि महाप्रभु रथयात्रा अनुष्ठित हुए केवल गोटे आम व्यतिक्रम देखिलु सेटा होची इस्कन संस्था द्वारा तांको सांगरे अनेक वर्ष धरी आलोचना परे हुए तो ये पांच छ मास पूर्वे वर्षे हो जीव तांकर जो मुख्य कार्यालय मायापुर से माने निष्पत्ति नेले जे भारत भितरे रथयात्रा से माने आमर श्रीमंदिर तिथि आधार रे करिवे किंतु विदेश रे से माने कहउचंती आमको टिके समय लागिवो ताक संगरे जोगजोग करिकि ताकु मध्य आम परंपरा अनुसार पकेबा पड़े विदेश रे असुविधा कौन होची आमर भारत भितरे असुविधा नाही आमर जो तिथि रे रथयात्रा हवा कथा प्रायतः से अनुसार प्रायतः होउची किंतु विदेश रे परिस्थिति टिके भिन्न कारण सेठी जो दांड रथ दांड जोटा हूँ सर्वसाधारण दांड तापाई अनुमति मिले ना वीक मान जो दिन वीकडे था केवल वीकेंड रे अर्थात शनिवार रविवार अनुमति मिले ये है गोटे द्वितीय हूँ सेठी लोक मैंने ये व्यस्त कामरे सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत जे से माने आउ मंदिर पर्व रे योगदान करने बहुत कम लोक आसी पारंती किंतु शनिवार रविवार हेले अधिकरु अधिक संख्यक लोक आसंती इस्कॉन ग्वालियर की जो भव्य रथ यात्रा 18 जून 2023 को रविवार को निकलने वाली थी उसकी डेट में थोड़ा सा बदलाव है। उस रथ यात्रा को 18 जून से हमने शिफ्ट कर दिया है 24 जून को दिन शनिवार दोपहर के 1 बजे से रथ यात्रा शुरू होगी और ये GYMC से लेकर के छतरी मंडी तक जाएगी। अधिक सूचना पाए सहित आलोक आशुतोष पुरी रू आम सहित फोन लाइन जोड़ रही आलोक आम शुणिलु गजपति महाराज प्रतिक्रिया किंतु तथा जानवाक चाहबु अदिनिया रथयात्रा को नहीं ये कौन प्रतिक्रिया ये निष्पत्ति कौन देखते मधु आप जानते आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि से श्रीमंदिर परंपरा और स्कंद पुराण अनुजाई महाप्रभु रथयात्रा अनुष्ठित होता है किंतु अनेक थर नजर रही इस्कन संस्था अदिनिया रथयात्रा करहाँ कि साधारण भक्त सेवायत बारंबार प्रश्न उठे कि गजपति महाराज गत काली जो प्रतिक्रिया गजपति महाराज कहवा कथा हूँ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय ठार आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी अर्थात रथयात्रा ठारू नीलाद्री विजय पर्यंत समय रे विदेश रे जो इस्कन संस्था जो रथयात्रा करती यही समय भितर से रथयात्रा निहाती भाव में करेंगे किंतु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हूँ विदेश जो रथदांड रही आप जानते गजपति महाराज का प्रतिक्रिया आधार में आम कौ जो रही रथदांड विदेश रही सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत अनुमति मिली नए केवल शनिवार और रविवार अनुमति मिलता है रथयात्रा करने को विभिन्न पर्वपर्वाणी करने को तो से गजपति महाराज कहवा कथा इस्कन संस्थान द्वारा आलोचना होती मुक्तिमंडपुर ब्राह्मण मैंने आलोचना करते इस्कन जो ग्वालियर जो इस्कन संस्था जो रथयात्रा कर 24 तारीख को से निर्धारित समय रखी अर्थात रथयात्रा ठार नीलाद्री विजय पर्यंत से भितर रथयात्रा करने को मनस्थ करु अनेक थर अदिनिया रथयात्रा होती जहाँ को समस्ते क्षोभ प्रकाश करूँ गजपति महाराज कहवा कथा हूँ विदेश में जो रथयात्रा हम ता निहत भाव में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय ठार आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी रथयात्रा ठार नीलाद्री विजय पर्यंत रथयात्रा करने को गजपति महाराज परामर्श देते इस्कन संस्था मानि नहीं ओके बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष नायक आम सहित जोड़े फोन लाइन जोगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सविशेष तथ्य पाई।